हमारे हेलो हेलो बफेलो। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बेसिकली अभी रात के वो देखो रात के 2 बज रहे हैं और आध्या फाइनली वापस आने वाली है। हमने 3 दिन की छुट्टी ली थी, तो मम्मी और आध्या उज्जैन गए थे दर्शन करने और हम दोनों वेकेशन मनाने गए थे। एक मिनट इस रूम में आओ, ये देखो मैंने आध्या के लिए सरप्राइज तैयार करके रखा है। वो आएगी तो उसका रिएक्शन कैप्चर करेंगे और ये व्लॉग में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब हम लोग ब्लू फूड चैलेंज करने वाले हैं आध्या के साथ इसी व्लॉग में। पर पहले मैं आध्या को रिसीव कर लूं, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। आदू बेबी आदू बेबी आदू बेबी आदू बेबी आध्या आदू आध्या क्या कर रहा हूं यार, कर रहा हूं तू अच्छा 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 आदू बेबी जंप तू जंप मिल गई मुझे और किसी से नहीं मिल आध्या आ गई। तो आंटी आध्या मम्मी ये लोग सब गए थे उज्जैन दर्शन करने के लिए, पूजा करवाने भी, पूजा करवाने। मेरे ये वो है रक्षक, मेरे गुरुजी। इतना अच्छा लग रहा है ना सबसे मिलके, ला ला ला, क्योंकि आध्या है मेरी गोदी में। अच्छा किसका बेबी है? अच्छा तो किसका बेबी है? नहीं बोल भी नहीं रहा हूँ। जाइजी का बेबी नहीं, जो मोमो का बेबी है। बोले आजा आजा उरियो उरियो आजा बोलो ये किसका बाबू है? और मम्मा का हाँ डैडी ना हो गया इसका, पता नहीं डैडी डैडी करती पई है। पेड़ में तो मेरे पली है। ये हमारा फ्रिज खराब हो गया है। हाँ, अंदर फिनाइल और डिटॉल डाल के खोल के रखा हुआ है। आज पूरा खाना हम लोग को मामा को देना पड़ा हर चीज, क्योंकि हमारे घर में अब खराब हो रही थी चीजें। ओ भाई जाओ 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 आ जा के सब कुछ जाओ 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 भागो 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 आजा आजा एक एक करके दिखाती हूँ। आजा क्या सबसे अच्छा लगा? जिया डॉग। आजा डॉग आजा देखो क्या दे रही है, अंडा दिया इसने। और ये हट जाओ, इधर को भी बेबी पिज़्ज़ा निकल रहा है। इधर को देखो पीछे से क्या निकल रहा है। पकड़ो जाओ, चलो वॉक करो, इसको वॉक करो, चलो वॉक करो। वेरी गुड यूश डॉगी। दादू के पास चलते चलो चल। ये मैं ला रही हूँ मम्मी को। बहुत
अच्छा है। मैंने बोला मम्मी के लिए कुछ करोगे कि नहीं, बोलते मैंने बोला फूल वूल ले आती हूँ मम्मी के लिए, पापा ने पौधा लिया मेरे तरफ से पौधा उठा के ले आए बोलो ऐसा पौधा मिला है किसी को पापा रोमांटिक हुए मम्मी कैसे शर्मा रही है पानी दिया करना है ठीक है उसे प्यार नहीं ओरियो को प्यार करती है कोई बात क्या बात है पुपू तो हम लोग अब करने वाले ब्लू फूड चैलेंज और जो भी हम खाना बनाने वाले सब ऑर्गेनिक है भाई। ब्लू फूड चैलेंज करने में हमारी जान निकल गई, ब्लू रंग करे तो करे कैसे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे हमने कैसे ब्लू फूड चैलेंज बनाया। रात के 2 बज रहे फिलहाल हम लोग सोने जा रहे हैं, उठते ही ब्लू हो जाएंगे हम लोग सब कोई। बाय बाय। ईद की तरह साल में एक बार बना जी, नहीं शुरू में मैं बहुत पापा की ड्रिंक के लिए हमेशा अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी मैं। नाना क्या होता है, सॉरी। ओहो आप लोग आ गए भाई, हम ब्लू फूड चैलेंज के लिए तैयार हो गए। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हमारे घर के बर्तन भी ब्लू है, जिस हम लोग ब्लू फूड चैलेंज का खाना जिससे बना रहे वो भी ब्लू है, और ये मेरी सास, आई एम सो लकी टू हैव सच अ मदर इन लॉ। मैं ब्लू फूड चैलेंज ही इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ये बगल में खाना बना रहे हैं पापा जी का, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल खाना बन रहा है, यहाँ पे हमारा ब्लू फूड चैलेंज बन रहा है। ब्लू सीड्स से हमने रात भर सो करके उसका पानी निकाला है, ये हमारा ब्लू आटा है, हम लोग इसकी रोटियाँ बनाने वाले हैं। राजा बेबी ब्लू, ओहो हटा दो उसको, हटा दो, हाँ हटा दो हटा दो, ये देखो नहीं रोती बेटू। तो किसका बेबी है? नहीं 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 का बेबी है। ओ आजा आजा, डुक 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 करता आया बंदर वाला, बंदर लाया, बंदर था मोटा सा बंदर, ना जाने झोले के अंदर उसके साथ थी एक बंदरिया, जो पहनी थी लाल घगरिया, रखकर डंडा रखकर झोला, बंदर वाला हंसकर बोला, नाचो बेटा नाचो बेटा, वाह बहादुर ले लो डंडा, बंदर ने कुल्हा मटकाया, ठुमक ठुमक के नाच दिखाया, ये तमाशे ऐसे वैसे, सब लोगों से मांगे पैसे। अच्छा नहीं मांगा, रोना चुप हो गया, एक सांस में गाया मैंने ये। तो आर यू गाइस रेडी फॉर हमारा ब्लू फूड चैलेंज, नीचे कमेंट में लिखो ब्लू फूड चैलेंज, ब्लू फूड चैलेंज। आज जो चम्मच आया है ना वो भी ब्लू आया, हर चीज ब्लू, और जहाँ हम लोग ब्लू, ओ पापा आ गए, ब्लू फूड चैलेंज। पापा देखो हमारे केक का क्या हुआ, हमारा पूरा केक टूट गया। हमने आद्या के हाइट का केक मंगवाया था, हमने सोचा था ब्लू फूड चैलेंज में उसको केक के लिए लेके आया पापा, कहाँ से खोज के लेके आया ब्लू फूड चैलेंज, ब्लू फूड चैलेंज। पोस्टमार्टम कर रही है भाई, ब्लू बर्गर खाया गया और ये ब्लू टिक्की खाते हुए ये ब्लू ब्रेड चाली ये कौन खरगोश जैसे खा रहा है, राजा खा रही है खरगोश जैसे। ब्लू खी ये खा के तो देखो मुंह में है उसका, इसका मतलब अरे क्या खीर नहीं है, ओ ये तो सबको टेस्ट करना चाहिए, खीर नहीं है ये हम लोग खाने वाले हैं अब ब्लू चाट। आदू नहीं ले ले, तेरा चम्मच चलानी आ गई आपको, हां मुंह में डालो खाओ खाओ, ये वेरी गुड, चाट भी फुल पास। ये ब्लू हो गए पर हमारा ब्लू बर्गर है, ब्लू टिक्की सब टेस्टी है मम्मी। मुझे नहीं आद्या को क्या पसंद आता है, आद्या को आइसक्रीम पसंद आता है, उसको और कुछ खाना ही नहीं है ब्लू फूड चैलेंज में, उसको कोई चैलेंज ही नहीं करना है। केक रह गया है पूरा का पूरा, अच्छा मार्शमेलो को, हां ये कैंडी भी है रिशु, आद्या ये देखो वाओ, हम लोग क्या बोलते ये खा के देखो, बुढ़िया के बाल, हां ये बुढ़िया के बाल है, ये खा के देखो इसको ऐसे खाते हैं,
तो मम्मा मैं तो आइसक्रीम में उसकी जान अटक गई है। अरे वाह अभ्या, अरे अपने आप खाएंगे। ओ हो भाई ये तो बहुत पसंद आ गई। हाँ पसंद है, इकट्ठा भी पहले पसंद। वो मुझे खिलाएगी और मैं खा ले। भाई साहब का मुंह देखो। ए ब्लू कृष्णा जी मैं खिलाओ। सब पता है इसको। अजय गंदा हो जाएगा अभी, आप खाना खा रहे हो ना। उसको बस प्यार करने हो रही हो। आद्या ने केक खाया थोड़ा बहुत, बट सबसे ज्यादा टेस्टी उसको लगी आइसक्रीम। और जो उसने एकदम नहीं ट्राई किया वो है चीला रोटी जैसी चीजें, उसने एकदम ट्राई नहीं की। बुढ़िया के बाल भी उसको अच्छे नहीं लगे, कॉटन कैंडी जो कहते हैं। तो वैसे ब्लू फूड चैलेंज का खाना भी बनाना बहुत मुश्किल था। जो आइटम्स हमने प्रिपेयर किए हैं पता नहीं कैसे प्रिपेयर किए हैं। हम लोग मीनू को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे इस ब्लॉग में। इधर आओ मीनू, आज वो ब्लू पहन के भी आई है जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो सारा ओरियो को खिलाना है, ये तू खा, ये ले खा ले। क्या खा रहे तू? कौन से मम्मा खाया? ये नहीं खाता ओरियो। हाथ से इडली दे दो, हाथ से इडली दे दो, इडली खा लेगी। ओ सेम खिलाएगी, चम्मच से भी खिलाएगी। ओ भगवान इसने कर्ड लिया। हे भगवान, ओरियो दूसरी चम्मच, दूसरी चम्मच। जिंदगी में इसने कभी कर्ड राइस नहीं खाई होगी ओरियो राम ने, और आज इसने कर्ड राइस खा ली। ओ हमारा ब्लू फूड चैलेंज बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि आद्या को एक ही चीज अच्छी लगी। अरे आद्या बड़ी हो गई है, पहले हम उसको खिला देते थे, अभी उसको नहीं बोलना आ गया है। तो इसी बात पे हम बूढ़ा बूढ़ी लोग का व्लॉग लाइक करो। हम लोग उड़ा गए हैं, अधेड़ उम्र के हो गए हैं भाई अब हम लोग, तो लाइक कर दो। ऐसे चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, अगली बार कोई चैलेंज तो आसान चैलेंज। प्लीज ब्लू जैसा कलर मत देना, आप लोग के कमेंट से ब्लू कलर निकाला था हमने। कहाँ से मिल गया तेरे को? उससे पहले कि ये और तंग करे, बाय, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बताओ नेक्स्ट क्या करें हम लोग चैलेंज में, कमेंट में लिखो। राउंड एंड राउंड द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन।